नमस्कार, मैं श्रेया दो, आप देख रहे क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। ड्रोन कैमरे द्वारा गंगा में निगरानी के लिए सीएम योगी ने किया शुभारंभ। कोविड कंट्रोल रूम सिगरा से होगा संचालन। पत्नी और बेटी की मौत के बाद सदमे में पहुंचे पंडित छन्नूलाल मिश्र, मुख्यमंत्री से मिलकर हुए संतुष्ट। सीएम योगी के हेल्प डेस्क से होगी ब्लैक फंगस और कोरोना मरीजों की निगरानी। गाजियाबाद में मिला येलो फंगस का पहला मरीज, ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक येलो फंगस। विदेशी कंपनियों ने भारत में राज्यों को सीधे टीका देने से किया इनकार। कंपनियों ने कहा सीधे केंद्र सरकार से करेगी करार। कोविड कहर से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पुलिस ने चलाई आश्रम मुहिम। मंत्री बोले बेसिक शिक्षा विभाग में लिपिक की रीतियां न होने पर भी मृत शिक्षकों की आश्रितों को इसी श्रेणी में दी जाएगी नियुक्ति। गाजियाबाद के थाना कबीर नगर इलाके के गांव बमहेटा में कलयुगी बेटे ने पहले मां को मारी गोली और फिर खुद को भी मार ली गोली। वाराणसी जनपद के आईएमए ब्लड बैंक में इस समय नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो गई है किल्लत। मंगलवार 25 मई को वाराणसी के थाना मड़ुआडी पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गढ़ दीपक कुमार प्रजापति व कन्नू यादव हुआ गिरफ्तार। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।